तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि यूको बैंक के हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और यहाँ पे आपके सामने जो है यूको बैंक के एजुकेशन लोन का ऑफिशियल मेन सेगमेंट खुला हुआ है। और जो कि ये वीडियो होने वाली है वो एजुकेशन लोन के ऊपर ही होने वाली है, और जनरल एजुकेशन लोन जो कि सभी को मिल सके, सभी के काम आ सके, स्टडीज़ इन इंडिया के लिए भी और स्टडीज़ इन अब्रॉड के लिए भी जो काम आ सके, उस एजुकेशन लोन के ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एजुकेशन लोन के मेन सेगमेंट है, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि एजुकेशन कैसे कैसे काम करता है, लेकिन हमें इस एजुकेशन लोन में इस वाले को अप्लाई करना है जो कि एजुकेशन लोन में स्टडीज़ इन इंडिया एंड स्टडीज़ इन अब्रॉड को, दोनों को ज्वाइन किया गया है। अब इस एजुकेशन लोन को अप्लाई करने से पहले आपको बहुत सी बातें जाननी होती है भाई, कि देखो कोई भी एजुकेशन लोन आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे दो लोगों की भूमिका रहती है, वो आपको आगे चल के बताऊंगा दो लोगों का क्या रोल है। अगर ये दो लोग नहीं होंगे, किसी एक के भी ना होने से ये लोन अप्लाई नहीं हो सकता, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दो लोग कौन है, तो वो आपको आगे पता चलेगा। दूसरी बात, एजुकेशन लोन अप्लाई करते वक्त में अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट आपको सबसे मेन चीज़ यही मैटर करता है कि इंडिया में स्टडीज़ करने के लिए कितना अमाउंट मिलेगा और इंडिया से बाहर स्टडीज़ करने के लिए कितना अमाउंट मिलेगा। साथ ही में बात आती है डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन की, कि कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे आपको। ये चीज़ कर जाने के बाद भी बात आती है कि कौन कौन एलिजिबल होगा इस लोन को अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे फीचर्स और कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस या हिडन चार्जेस के नाम पे, तो क्या वो यहाँ पर भी है या ऐसा नहीं है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक वॉच करेंगे। एंड वेलकम गाइज, लोन पावर वीडियो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख के आपको ये बात बतानी है कि आपको एजुकेशन लोन की नीड क्या है, और आप लोग जो स्टूडेंट है वो कौन से कोर्सेज के लिए जो है, मतलब कि कौन से एजुकेशन के लिए जो है इस एजुकेशन लोन को पाना चाहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में जो आपकी राय है वो आप हमें इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। एंड साथ ही में आपको इस वीडियो को स्टेप्स बाय स्टेप पूरा देखना है, यानी कि पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करना ही होगा। स्टेप्स को बिल्कुल भी मिस कर मत मत करना, क्योंकि अगर आपने स्टेप्स को कहीं भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप लोगों के हाथ से इंपॉर्टेंट स्टेप्स छूट जाए। तो स्टेप्स को डेफिनेटली देखना, स्टेप्स में जो भी चीज़ें बताई गई उसको एक्जैक्टली फॉलो भी करना है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो के जैसे नीचे टाइटल जैसे आप लोग क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली आपको करना है क्लिक। लिंक पे आप क्लिक करते हो सीधा पहुंच जाओगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लोन पावर डॉट इन की साइट पे पहुंचने के साथ ही यहाँ पे आपको मिलती है काफ़ी सारी वेबसाइट्स, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे मतलब कि आर्टिकल्स मिलते हैं इस वेबसाइट के अंदर। अब जो भी आपको आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आर्टिकल्स के अंदर आपको जो है काफ़ी सारे कंटेंट है। अब ऐसे में आप जो है नेक्स्ट करके लास्ट करके जाओगे, जैसे कि देखो 10-20 मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स है। अब ऐसे केसेस में आपको जो टॉपिक सर्च करना है जो कि है यूको बैंक एजुकेशन लोन के लिए, तो ऐसे केस में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, और टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसके लिए आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है, यहाँ जाके आपको मिलती है यहाँ पे कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आपको सिंपली एजुकेशन लोन वाले ऑप्शन पे पहले टिक करना है। एजुकेशन लोन वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले एक्सिस बैंक आ जाएगा, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और भी आप जो है आगे करके जो है नेक्स्ट और लास्ट पे जाके जो है और भी देख सकते हो। तो फिर वही बात आती है कि यहाँ पे फिर से टाइम टेकन वाली चीज़ आ जाएगी, तो वो टाइम टेकन नहीं करना है हमें। तो हमें मेन्यू बार के ऑप्शन में अगेन जाके आपको सर्च का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप कर लेना है यूको एजुकेशन, इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना होगा, जिससे आप लोगों के सामने आर्टिकल आ जाएगा कि यूको बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल मिल जाएगा, आर्टिकल पे टैप करना है, अब आपके सामने आर्टिकल के पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या यूको बैंक एजुकेशन लोन क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन लोन को अप्लाई कर सकता है, और ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसको ज़रूर पढ़ें आप लोग। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी जानकारी मिल जाएगी खुद ही देख सकते हो, कि यहाँ पर यूको बैंक एजुकेशन लोन क्या है, कितना लोन मिलता है, ठीक है, साथ ही में कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन किसका यहाँ पे ब्याज कितना देना पड़ेगा, साथ ही में बात आती है कि यहाँ पे कितने दिनों के लिए लोन मिलता है, इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें देना पड़ेगा, साथ ही में और भी हम देखें तो यहाँ पे तो लिंक भी है, और साथ ही में यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब जो वीडियो में बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आर्टिकल के अंदर ऑलरेडी है। बस यहाँ पे एक चीज़ करनी है, जो है आपको अपना यहाँ पे टाइम देना है। अगर आप अपना टाइम दोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सारी चीज़ को अगर आप लोग पढ़ लेते हो, तो पढ़ने के बाद अब बारी आती है कि कैसे अब इसको अप्लाई करना होगा। तो अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ लिया, ज़रूर हम लोग पढ़ें, और यहाँ पर आपको जो है जो मैंने इंट्रो में जो चीज़ें बताई है, जैसे भूमिका की बात बताई है, अमाउंट की बात बताई है, फीचर्स की बात बताई है, एलिजिबिलिटी की बात बताई है, इंटरेस्ट रेट की बात बताई है, डॉक्यूमेंट्स पूछा, जो मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ चलेगी, वो सभी के सभी बातें इस आर्टिकल में भी है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जो है अपना टाइम बहुत ज्यादा बचा भी सकते हो, और आपको नॉलेज भी यहाँ पे मिल जाएगी। और जिनको सीधा अप्लाई करना है, अब सीधा लोन को, तो क्या करना है उनको, यहाँ पे अप्लाई करने से ऊपर वाले जो है सेक्शन पे जो है विजिट का ऑप्शन मिलेगा, जो विजिट करके, और विजिट के सामने ये है लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे यूको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपके सामने एजुकेशन उनके ऑफिशियल मेन वेब पेज पे आ जाएंगे। और ये जो एजुकेशन उनके जो हम मेन वेब पेज पे आए हैं, तो ये भी आपको पता है अच्छे से कि हम लोग इंट्रो में भी ऑलरेडी थे, तो हम सीधा इसी वेबसाइट पर ही आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है कि एजुकेशन उनका जो मेन सेगमेंट देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने आपको दिखाया भी था कि हम इस एजुकेशन उनको अप्लाई करने वाले हैं। अब ये बात सबको पता है भाई, स्कोप की जहाँ तक हम बात करते, तो ये लोन इसलिए दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो है अपने एजुकेशन को, हायर स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकें, और लोन ही इसे प्रोवाइड करवाया जाता है कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है वो एटलीस्ट उस चक्कर में अपने पढ़ाई को ना छोड़े। एलिजिबिलिटी यहाँ तक मैं बात करता हूँ, देखो कौन कौन एलिजिबल है। पहली चीज, स्टडीज इन इंडिया में पढ़ने वाले के लिए वो शुल्डेड, वो मतलब जो है पूरी तरीके से रेजिडेंशियल इंडियन ही होना चाहिए।
इस बात का खास कारण चाहिए, जैसे कि साफ साफ बात करते हैं तो अगर यहाँ पे आप जो है मतलब इंडियन रेजिडेंशियल है, इसके अलावा आप जो है कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट को ले सकते हैं, तो आप जो है जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे यूजी, जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ठीक है, पीजी डिप्लोमाज और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी लॉ और डेंटल मैनेजमेंट और कंप्यूटर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे जो है इस चीज़ के लिए जो है लोन ले सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब इन सारे कोर्सेज के लिए आप जो है लोन अप्लाई कर सकते हो। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट एग्रीगेट बाय DOE, ठीक है। बाकी स्टडीज़ अगर अब्रॉड के लिए आपको पढ़ना है तो उस केसेज में ग्रेजुएशन की बात करें तो जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए और वो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है आप सिंपली जो है लोन को अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये कोर्सेज आपके लिए बेबी अवेलेबल होंगे। ग्रेजुएशन की बात करते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप MCA, MBA, MS एक्सेट्रा के लिए ले सकते हो, ये कोर्सेज आपके लिए एलिजिबल होंगे यूको बैंक एजुकेशन उनको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एज लिमिट फिलहाल बात करते हैं तो ग्रेजुएशन करने वाले के लिए 28 साल है फॉर जनरल कैंडिडेट्स और 30 साल जो है एज SC ST कैंडिडेट्स के लिए। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 33 साल जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी की बात हमने मेन कर ली है और मेन बातें बताई दी है कि उसका इंडियन होना जब बहुत जरूरी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब लोन अमाउंट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था तो यहाँ पे 10 लाख रुपए अगर आप इंडिया में स्टडी करते हो तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, और अब्रॉड में स्टडी करते हो तो उसको डबल कर दो, 20 लाख रुपए तक का आपको जो है लोन दिया जा सकता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मार्जिन 4 लाख पे तो नहीं लगेगा, 4 लाख से ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, वो भी स्टडीज इन इंडिया के केसेज में, और अब्रॉड के केस में 15% तक का है। बाकी इंश्योरेंस है, प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे कोई नहीं है। डिसबर्समेंट्स की बात करते तो यहाँ पर जो डिसबर्समेंट है लोन के वो होगा एज स्टेजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और जहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये आपके जो है 7.5 लाख से अगर आपने ऊपर का लोन लिया है तो यूको फ्लोट रेट आपका वो रहेगा, यूको के फ्लोटिंग रेट रहेगा, और साथ ही में 2.40% ऐड और करना। तो ये सारी चीज़ आप समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ तक लोन को चुकाने का समय बता रहे हैं वो है 15 साल तक का, जो कि 180 EMI में आप चुका सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई है मेन मेन बातें। एक बात और समझा दूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नहीं बताई गई है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि दो लोगों की मैंने बात की थी, स्टूडेंट की, यहाँ पे जो बंदा स्टूडेंट है वो एप्लीकेंट है यहाँ पे कोई भी लोन को लेने का, और अगर वो एप्लीकेंट है लोन को लेने का तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके पास KYC डिटेल्स वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे बता दूँ KYC डिटेल्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी हो सकता है, तो ये सारे उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे उसका कौन से कोर्सेज में, कौन से इंस्टीट्यूशन में और किसके थ्रू एडमिशन हो रहा है, उसका पूरा प्रूफ ऑफ एडमिशन आपको उसको दिखाना पड़ेगा, जिसको सिक्योर एडमिशन के गिनती में हम लोग रख सकते हैं। मेरिट बेस पे हो रहा है या एंट्रेंस बेस पे हो रहा है वो उसके सिक्योर एडमिशन के प्रूफ के तौर पर देख के पता लगाया जा सकता है। साथ ही में उसका कोर्स कब से शुरू होगा, यानी शुरुआत कब से है और एंड कब तक है, उसका पूरा उसकी डिटेल्स रखनी पड़ेगी। साथ ही में उसके एडमिशन वगैरह को लेकर स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस उसको दिखाने पड़ेंगे कि किस किस चीज़ों में कितना कितना खर्चा जाएगा। ये काम हो जाएगा एप्लीकेंट के केसेस में, जिसको आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यहाँ पे जो है प्रेजेंट करना पड़ सकता है। दूसरी बात यहाँ पे बात आती है कोई एप्लीकेंट की, कोई एप्लीकेंट का रोल उतना ही है जितना स्टूडेंट का है, बस ऐसे केस में इनके बिहाफ पे लोन मिल रहा है तो इनके भी जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ जो है स्टूडेंट की भी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इनके भी चाहिए, वो भी लेटेस्ट, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। KYC डॉक्यूमेंट्स इनके भी चाहिए, इनके लैंड रिकॉर्ड्स के अगर आप प्रूफ दिखा सको तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। अगर ये IT फाइल करते हैं, IT रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसकी डिटेल्स दिखा सकते हो, अगर ये ऑक्यूपेशन वाइज अगर कोई जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। इनके भी बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पे जो उनके और अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप एड ऑन कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बात करते हैं अप्लाई करेंगे कैसे, तो यहाँ पे नीचे ही आपको जो है डाउनलोड यू को एजुकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो जस्ट वेट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल सा काम है, यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो, यहाँ पे पेरेंट की फोटो, यहाँ पे जो कोई एप्लीकेंट गारंटर बना है उसकी फोटो, ठीक है, वो डाल के यहाँ पे इन तीनों सेगमेंट को आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि ये, ये और ये, ठीक है। इस चीज़ को भरने के बाद जो है आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पे आपको बात आती है पर्टिकुलर ऑफ कोर्सेज, यानी नेम किस इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किस कोर्स में और कब से शुरू हुआ कब से खत्म, जैसे मैंने बताया था। इसका बताना है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, किस किस चीज़ों में आपका खर्चा होने वाला है वो बताना है। इसके बाद आपको डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर फ्रॉम द लोन अबव 4 लाख, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफर के बारे में बताना है। अगर आप 4 लाख से ऊपर का लोन अप्लाई करते हो तो रीपेमेंट की यहाँ तक बात है कि 15 साल तक का तो मैक्सिमम, बट आप कब तक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो आपको बताना होगा यहाँ पे अमाउंट वाइज, ठीक है। ये चीज़ कर दी है आपने, फिर नीचे जाना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट के साइन करने हैं, पेरेंट के साइन करने हैं और को एप्लीकेंट के साइन करने हैं। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की बात की जा रही है। यहाँ पे आपकी मार्कशीट चाहिए, प्रूफ ऑफ एडमिशन जो कोर्स जो मैंने बता दिया, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ये भी मैंने बता दिया था, पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको चाहिए जो मैंने बता दिया था, प्रूफ ऑफ इनकम ये भी मैंने बताया था, लेटेस्ट सैलरीज को फॉर्म 16 या फिर सैलरी स्लिप के नाम से आप जानते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, IT रिटर्न्स 5, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और अंडरटेकिंग अगर आपके पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है।
तो इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर उसके साथ में अटैच करें, प्रिंट आउट निकलवा करके, और जाके यूको बैंक के आप लोग जो है नियरेस्ट ब्रांच में आकर सबमिट कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका ब्रांच है वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर दिक्कत आई होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको जरूर इसके बारे में हेल्प करूँगा, वरना आपको जो है यूको बैंक के एग्जीक्यूटिव्स बहुत हेल्पफुल है, वो आपकी जरूर मदद करेंगे इस बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगी, कोई भी अगर गलती से कोई चीज़ मेरे से छूट गई है मैं या फिर मैंने कोई गलत चीज़ बताई गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एंड वीडियो होती है हमारी यहाँ पे फिनिश्ड। आई होप सो वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको PMEGB लोन अप्लाई करना है अगर नहीं पता तो आई बटन पे वीडियो लेके तुरंत वॉच करना, और यहाँ पे हमारा यूको बैंक से एजुकेशन कैसे लेंगे ये वीडियो होती है फिनिश। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।